भैया बहनी राम राम विलेज फूड लाइफ स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। मैं चलती हूँ, देखिए बगल में फूल लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। कलर कलर का फूल है, देखिए वो पीला वाला है, उसको आप देखिए बहुत ही अच्छे से फूल लगा हुआ है। मधुमक्खियाँ आई है देखिए फूल पर, देखिए इसका रसा होता है, देखिए इसको ये लोग सूंघती हैं। तो दोस्तों देखिए मैं मूली के खेत में आ चुकी हूँ, आप देखते हुए जो अच्छे से मूली पड़ी रहेगी वही मूली हम देख देख के उसको उखाड़ेंगे। मूली का खेत बहुत ही बड़ा है, तो देखिए जो मूली तैयार है मैं वैसे ही है देख देख के देखिए उपारूंगी। अब बहुत ही अच्छे देखिए मूली इसमें पड़ी हुई है, देखिए जो छोटी वाली मूली है इसको मैं नहीं उखाड़ूंगी, देखिए जो बड़ा वाला मूली है तो उसको मैं उखाड़ लेती हूँ। तो मट्टी देखिए काफी मुलायम है तो ऐसे मैं देख देख के उखाड़ लेती हूँ। तो देखिए इस साइड तो काफी मुलायम देखिए मट्टी है, तो बहुत ही अच्छे देखिए उखाड़ रहा है, ऐसे मैं उखाड़ के उसको रख लेती हूँ। तो देखिए हम लोग ऐसे मूली को उखाड़ लेती हूँ। ले लिया है, अब लग चलूंगी घर पे। मूली देखिए मैं लेके आ चुकी हूँ अपने घर पे, और जो इसकी पत्तियां है देखिए टाइट वाली उसको मैं तोड़ देती हूँ, जो मुलायम वाली है इसमें रखेंगे। मूली का जो पत्ता है तो उसको हम काटेंगे, हमारी मंगर खाएंगी। अब मैं चल रही हूँ नल पे, इसको देखिए मल मल के मैं साफ पानी से धुल लेती हूँ। जो इसकी पत्ती है इसको हम एक बर्तन में रखेंगे इसकी सब्जी बनाने के लिए। अब दोनों साइड देखिए थोड़ा थोड़ा मैं इसको काट देती हूँ, इसे काट काट के थाली में रखती जाऊंगी। ये उसमें रेशा दिखाई पड़ रहा है, तो ये रेशा इसको छिलने के सहारे उसको रेशा भर निकालेंगे, मैं ज्यादा इसका छिलका नहीं हटाऊंगी। घिसने के लिए देखिए मैंने मशीन लिया है, तो इसी से अच्छे से घिसूंगी। थोड़ा सा देखिए बच गया, इसको रख देंगे नहीं हाथ में लग जाएगा, तो इसे बचा बचा के मैं घिस लेती हूँ। तो बहुत अच्छे देखिए रेशा जो निकल रहा है मूली का। मूली को देखिए मैंने घिस लिया है, और इसको देखिए हाथ से दबाते हुए जो इसमें पानी है उसको बाहर निकालेंगे। तो ऐसे पानी निकाल निकाल के थाली में इसको रखती जाऊंगी। मैं लेके चल रही हूँ अपने किचन में, जो मूली देखिए बची है जिसकी मैं दूसरी रेसिपी बनाऊंगी। अब मैं धनिया की पत्ती अदरक मिर्चा के काट लेती हूँ बारीक का। पराठे में सामग्री लगता है तो उसको हम एक में मिला लेती हूँ, उसके बाद आटा अच्छे से गूंथूंगी। देखिए आटा लिया है गेहूं का, जो कद्दूकस करा हुआ है मूली का, जिसमें हम डाल देती हूँ। और देखिए देखने अच्छा है, साफ से जैसे गरी का बुरादा देखने में लग रहा है। हाँ से देखिए मैं भरभरा कर देती हूँ। तो देखिए इसमें जीरा डालेंगे,
और थोड़ा देखिए आज अजवाइन डालेंगे। देखिए बारीक का कूटा हुआ देखिए मैंने माजा डाल देती हूँ। अदरक लिया है मैंने बारीक से सिलबट्टे से अच्छे से कूट लिया है, पेड़ा बनाने में आसानी रहेगा। तीस मैंने सिलबट्टे से कूटा हुआ है। अब इसमें डालेंगे धनिया की पत्ती और सारा सामग्री मिला के अच्छे से इसमें गुथेंगे। स्वाद अनुसार इसमें मैं नमक डाल देती हूँ। पहले बिना ये पानी डाले इसको अच्छे से मैं मिला लेती हूँ। सारा सामग्री देखिए मैंने अच्छे से मिला दिया है। और जो मूली का पानी है इसमें डाल के अच्छे से मैं गुथूंगी और थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी। मूली का पानी देखिए थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डाल देती हूँ। इसमें जो नल का पानी है उसमें नहीं यूज करूंगी और मूली के पानी से पराठा बनाऊंगी। पहले इसको अच्छे से डालकर गुथूंगी। थोड़ा थोड़ा देखिए मैं डालती जा रही हूँ, अच्छे से गुथती जा रही हूँ। तो इसके मैं 5 मिनट ढक के रखूंगी और तब तक मैं चूल्हे में आग जला लेती हूँ। चूल्हे में पका दिया है, अब तावा में लगाएंगे नमक। नमक देखिए दोनों साइड लगाएंगे और देखिए बहुत ही जल्दी माजरे में सफाई होती है, दम से हमारा तावा साफ हो जाता है। तावा देखिए मैंने 10 मिनट ढक के रख दिया है और बहुत ही अच्छे देखिए हमारा आटा सेट हो चुका है। तब अब मैं लोई को तोड़ लेती हूँ। तो चौका मैंने देखिए सूखा आटा लगाया हुआ है और इसे मैं पराठा बनाने के लिए लोई बना लेती हूँ। इसमें सारा सामग्री मिलाया है, बस इसमें पराठा में सेक देंगे और पराठा हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो अब देखिए सूखा आटा लगाकर दोनों चकई में और इस पर रखकर और दबाते हुए इसको बड़ा करेंगे। तो ऐसे मैं सूखा आटा लगाकर इसको बेलूंगी। बहुत अच्छा देखिए देखने में लग रहा है, जो मिर्चा और हरी पत्ती है दिखाई पड़ रहा होगा। तो तवा हमारा गर्म हो गया है, अब मैं पराठे को डाल देती हूँ तवा पे। तो ऐसे मैं दूसरा पराठा बेल के रेडी कर लेती हूँ। तब तक हमारा पराठा देखिए तवा पे सीख रहा है। पराठा देखिए मैंने दूसरे साइड पलट दिया है। इसमें लगाएंगे सरसों का तेल। तो सबसे पहले चारों तरफ हल्का हल्का तेल गिरा देती हूँ। तो दोनों साइड देखिए उल्टे पलटते हुए उसको सेकेंगे। दोनों साइड देखिए मैंने अच्छे से सेक लिया है और इसे सेक सेक के मैं थाली में रखती जाऊंगी। तो बहुत ही अच्छे से देखिए कलर भी आया है। तो देखिए दोनों साइड उल्टे पलटते हुए मैंने बहुत ही अच्छे से सेका है और ऐसे मैं सेक सेक के थाली में रखती जाऊंगी। पराठा मैंने पूरा सेक लिया है, अब तवा उतारेंगे नीचे। देखिए मैंने बहुत ही पतला पतला इसको बेला हुआ है। अब मैं सिलबट्टे से चटनी तैयार कर लेती हूँ। तो मर्चा धनिया की पत्ती मैंने ले लिया है, अब उसके बाद टमाटर काटूंगी। तो मैंने देखिए हरा वाला टमाटर लिया, ज्यादा पका नहीं है तो बहुत ही अच्छा से चटनी हमारी बनेगी। जैसे खट्टा रहेगा तो हरा रहेगा तो इसमें खट्टापन रहेगा। तो जो इसके इस तरफ मैं काट दे रही हूँ, मैं पतला पतला काट के अच्छे से इसको पेस्ट करूंगी। अनुसार इसमें चटनी में नमक डालूंगी। तो दोस्तों आज मैंने बनाया हुआ है मूली का पराठा, उसके साथ में टमाटर धनिया की पत्ती की चटनी। अब बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है, हमारे फैमिली सब लोग खाते हैं। तो दोस्तों अगर आज के हमारा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के संग, तब तक के लिए राम राम।